अस्सलाम वालेकुम भाइयों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको खुश रखे और कोई भी गम नहीं दिखावे, किसी का मोहताज नहीं करे। तो भाई आज का वीडियो ज़रा ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो ज़रा आठ के है। हम जैसे बंदों का जो शॉपिंग होता है, तो दोस्तों आज का वीडियो आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर मज़ीद वीडियो आप हमारा देखना चाहते हैं तो उसका बेल आइकॉन और लाइक का बटन भी दबाना। यानी जब भी हम लोग नया वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन पहले आपको या किसी और भाई को इसका फ़ायदा हो सकता है। तो ये चीज़ें मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं जाता हूँ, ठेला वगैरह और मुख्तलिफ़ जो है ना बाज़ारों पे लेके जाता हूँ, तो वहाँ पर मैं भी चीज़ें ले लिया करता हूँ, साथ में वीडियो भी बनाता हूँ या अलग दिनों में जाके लेकर आता हूँ। जिस भाई को ज़रूरत है तो ले सकता है। वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि भाई कौन सा चीज़ किसने का है, मेरे फ़ायदे का है, काम का है कि नहीं है। तो मैं ये चीज़ों को निकालता जा रहा हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता भी जाऊँगा कि ये है उस दिन की बैटरियाँ। ये बैटरियाँ मैंने लिया था उस भाई से, उसका नाम भूल गया मेरे हाल में, नाम उसका मैंने पूछा ही नहीं उससे। तो ये वाले मैंने लिया है तकरीबन, अगर आम जगहों से मैंने बहुत दफ़ा पूछा है। बैटरी कम से कम 150-200 का मिलेगा, इसके ऊपर कुछ जापान लिखा हुआ है, मतलब इनके अंदर काम के सेल होते हैं, काम के चीज़ आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में। ये इंशाल्लाह काम देंगे। ये एक दाने का जो है ना एक सेल जो है ना टूटा हुआ है, वो मैं खा में लोगों ने चेक करने के लिए किस तरह, मतलब ये नुकसान का सौदा नहीं है दोस्त। ये NIBM जो है ना 6 दाने आप देख सकते हैं, ये 400 का लिया है। एक सेल जो है ना अमूमन जो है ना बाज़ार में जो है ना 80 का मिलेगा, दराज से लेंगे दराज से भी कम से कम 80-90 रुपये का मिलेगा। और वहाँ पर जो है ना इसका अलग से भी वीडियो है सेल वगैरह का दोस्तों। ये सदर से मिलेगा वहाँ से 40 रुपये का दाना। अभी अगर मैं एक दाने का लगा लूँ तो एक दाना कम से कम मुझे ये 80-90 रुपये का एक बैटरी पड़ा है, 80-90 रुपये का। जिस भाई को लेना है तो उस वो भाई के साथ रابطہ कर सकता है वो वीडियो देख के। तो एक सेल मेरे ख्याल में 15 का पड़ गया कुछ इस तरह, 15 रुपये का एक सेल, एक पीस जो है ना 15 का पड़ गया का किट जो है ना वो काम दे सकते हैं। BMS का जो है ना वो भी काम। ये सोना निकल जाए तो सोने पे सुहाग आए, लेकिन पता नहीं मुश्किल है। वैसे इन चीज़ों में बहुत लोग बोलते हैं होते हैं, लेकिन ये जो है ना 3 वोल्ट के जो है ना बैटरी से चलते हैं, ये वाला लिया है मैंने। ये जो है ना इस तरह नोकिया के पिन से चार्ज होते हैं, ये भी लिया है मेरे ख्याल में। ये जोड़ी जो है ना 50 का लिया है, और ये भी जो है ना ये वाला लिया है मैंने। एक ज़रा इनको चेक कर लेते हैं कि भाई किसका क्या है, कुछ फ़ायदा है नुकसान है क्या है ज़रा। ये तो जो है ना नए होते हैं, इनको तो चेक करके देते हैं। ये 12 वाट LED वाटर प्रूफ वाले हैं दोस्त, ये तो चिपकने वाले, ये तो बिल्कुल फ्रेश। 150 रुपये का पूरा पट्टी पड़ता है, 150 रुपये का, 150 का। तो इनमें 20 दाने होते हैं, किस तरह से चलते हैं इसमें आप देख सकते हैं। ये एक एक दाना नहीं चल रहा है ये वाला, बकाया सब भी चल रहे हैं। ये वाटर प्रूफ हैं 12 वाट में, एक का कोई बात नहीं। अगर आप जो है ना लेंगे ये तो बहुत महंगा पड़ते हैं, ये 150 रुपये का। ये जो है ना इस तरह का जो है ना कोई लाठ वगैरह मैंने तो पूरा नहीं लिया, मैं तो एक एक दो दो पीस लेता हूँ, तो इसका ये फ़ायदा है मुझे 150 का पड़ा है। अगर आप दाना भी 20-20 का पड़े जो है ना, ये मुझे पड़े हैं दोस्त, ये जो है ना 30 रुपये का दाना मुझे पड़ा है, इतना मैंने कम ले लिया। अगर ज़्यादा ले हुए तो ये 25 का 20 का भी मिल सकता है। तो ये मैंने कैप वगैरह भी कुछ में नहीं था, तो कैप वगैरह भी उठा लिया है किसी में। ये इसलिए इतने का पड़ता है, वरना तो दोस्त ये तो जो है ना 50 का पड़ेगा। और जो है ना एक और शॉपों में से दूर दराज की शॉप मिलेंगी तो वहाँ पर 80-100 का मिलेगा। तो इनमें इनका ये बिल्कुल सही होते हैं दोस्त, कोई कोई ख़राब भी निकलता है, ऐसा नहीं कि सही होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने जो चेक किया है तो ये जो है ना सही ही निकलते हैं। आपने जब भी लेना है जो आप इस तरह लेंगे कि ये नया वाला हो, जो लाठ में से या दुकान वाला ने जो है ना इस तरह तार वगैरह के टूटने की वजह से बेच दिया है कबाड़ में, उसको आपने लेना है। अगर यूज़ वाला लेंगे वो भी बन जाते हैं, वो भी इस तरह ठीक हो जाते हैं, ख़राब भी निकलते हैं इनमें। अभी वो आए हो कि हमारा नसीब किस तरह है, ये वाला भी चेक कर लेता हूँ, इसके ऊपर ज़रा शक है कि ये ख़राब हो, गलत भी हो सकता हूँ।
नहीं ये लग रहा था ख़राब, लेकिन ये सही निकल गया है। आप देख सकते हैं रोशनी भी अच्छा है, और ये जो है एल्यूमिनियम ग्रिट में है दोस्त, इसका ये हीट नहीं करेगा जब भी आपने इनको। ज़रा ये वाला दाना चेक कर लेता हूँ, इसके ऊपर भी मुझे शक आ रहा है क्योंकि ये अंदर से ज़रा टूटा हुआ लग रहा है मेरे को। बस आपने इन चीज़ों को देखना है कि यूज़ वाला नहीं लेना है, यूज़ वाला जो है ना वो ख़राब निकल सकता है। जो नया वाला जो है ना ला, ये कुछ शार्ट बता रहे मेरे घर में, ये दोनों यहाँ पर से शार्ट है। ज़रा मैं इनको ज़रा बाहर की तरफ इसे खींच का सिर्फ तार ही लगाना है बस आपको दोस्त, ये फिर आपको आपके लिए आराम से 50-60 का निकल जाता है। तो ये वाला दाना जो है ना यहाँ से टेढ़ा हुआ हो गया है, मैं इसको निकाल के ज़रा इस साइड पर चेक कर लेता हूँ कि इस साइड पर भी हमें इस साइड पर सही है चल रहा है। ये जो है ना ये चार दाने, इनमें जो है ना टांका लगा कि ये चार दाने भी चलना शुरू हो जाएंगे। अगर इनमें कोई जला भी हो आप इसको काविया पे रख के वो उतार के दूसरा जो है ना इसकी जगह पे फिट कर सकते हैं जो है ना। तो इनका ये इस तरह हिसाब है दोस्त, ये कैप वगैरह भी आपने देख लेना है। फिर आप जो है ना सिर्फ इसमें दो तार लगा लेना है, यहाँ से सुराख से निकाल देना है बस इस तरह से। ये लगा के इसमें जो है ना दो तार लगा के इसमें ज़रा हीट फ्री आम पर डाल के इनको मशीन को साइड पर करेंगे। ये जो है ना बाइकों का है दोस्त, बाइकों का जो है ना LED सर्च लाइट जो आगे लगता है, ये बिल्कुल साबित था, मैंने इसीलिए ले लिया कि ये सही निकलता है ख़राब निकलता है। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं ये सही है दोस्त, लेकिन इसमें जो है ना कुछ ये जो है ना एक दफ़ा लगाएंगे इस तरह बिल्कुल बिल्कुल ही तेज़ जलेगा, दूसरा दफ़ा लगाएंगे थोड़ा स्लो चलेगा, फिर तीसरा दफ़ा चलाएंगे जो है ना इसमें तीन दाने LED ख़राब हैं, तीन दाने LED वो जो है ना वो मैं तो जो है ना इसका बनाना भी बता दूंगा इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में। इसका जो है ना आप देखेंगे ये तीन दाने भी जो है ना हम लोग चेंज करेंगे, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा बिल्कुल सेट। तो ये भी बन जाएगा, ये मुझे 100 रुपये का पड़ा है दोस्त। ये इमरजेंसी लेट आ गया, इससे पहले इसके अंदर देखेंगे क्योंकि बारिश का मौसम है माशाल्लाह। वाटरप्रूफ वाले इसमें मोबाइल लाते हैं, इसमें हवा भरा हुआ है साइड में, अगर ये पानी में गिर जाए भी ऊपर ये तैरेगा मोबाइल। वैसे भी लोग इसको जो है ना ले लेते हैं, इसके अंदर ये वाला जो है ना क्लिप आपने इस तरह लगा लेते हैं इसको। मैं ज़रा एक दाना आपको खोल के दिखा दूँ, ये जो है इस तरह ये साइडों से, वो तो और किसी को ही समझ आएगा, ये साइडों से खोल के मोबाइल अंदर इसमें डाल देते हैं। और ये जो है ना ये वाला ये जो इसका ये क्लिप है, ये इसको जो है ना इसमें डाल के लोग अपना जो है ना गले में भी इसको डालते हैं, और मुख्तलिफ जिस जगह पे जो जिसको सही लगे वो रख लेता है। तो ये 100 रुपये का दाना है, जो ज़्यादा लेगा तो खाम खा उसको कम पड़ेगा वो पड़ता है। और जो है ना ये कुछ USB कनेक्टर बोले तो ये इसमें USB लगेगा, ये फिर मोबाइल में लगेगा। ये जो है ना एक पत्ता, मतलब एक पत्ता मुझे ये 150 का पड़ा है, यानी एक दाना 15 रुपये का पड़ गया है। और ये वाले कनेक्टर आ गए जो चार्जर मोबाइल चार्जरों का कनेक्टर, ये यहाँ से जो है ना पीछे से जो है ना माइक्रो और USB लगेगा, और आगे से ये Type-C में जो है ना कनेक्ट होएगा। इसके पास माइक्रो यानी USB चार्जर होगा, तो वो जो है ना इसको जो है ना Type-C में वो कनेक्ट करके अपना मोबाइल चार्ज कर सकता है। और ये जो है ना आईफोन का कनेक्टर यानी माइक्रो USB का चार्जर होगा, तो आपके पास अगर आईफोन किसी भाई के पास हो, अगर कोई दोस्त वगैरह घर पर आए या इस तरह जो है ना, फिर वो उसके लिए जो है ना ये कनेक्ट करना पड़ता है। ये देखना चाहिए कि ये ग्रिट में हो, एल्यूमिनियम ग्रिट में है। ये 300 रुपये का एक पत्ता है, अगर एक भाई ले लेता है तो इसमें 200 रुपये का बचत हो सकता है। बकाया ये चार्जर ये भी बिल्कुल बंद है, बाद में इसका वीडियो बनाएंगे, अभी ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही बंद है दोस्त। दोस्त मैंने इसको ज़रा चार्ज पे लगाया था, मैंने बोला भाई देख लूँ, हो सकता है चार्ज उठावे थोड़ा जल जावे, लेकिन ये बिल्कुल फिर भी ये चालू नहीं हो रहा है। मेरा ख्याल में इसका अंदर बैटरी LED चीज़ में ख़राब है इसका, तो अभी आज़ान हो जाए फिर बाद में वीडियो शुरू करेंगे। चार्जर के साथ भी ऑन होना चाहिए, कभी आप लेना चाह रहे हैं बाज़ार से तो आप जो है ना आपके साथ अपने साथ जो है ना पावर बैंक भी आप ले के जो है ना इस तरह का इमरजेंसी लाइट ले सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। और उसमें बैटरी में भले चार्ज ना हो तो उसको इस तरह चलना चाहिए, इस तरह भी नहीं चले तो फिर
समझ लो उसके लेट मेट भी ख़राब है। गर्म एक बक माडूल भी लिया है मैंने, ये मेरे ख्याल में 250 की लिया है कि कुछ 300 में, कुछ सही डिज़ाइन में नहीं आ रहा है इस तरह। इसका भी फिर आगे जो है किसी वीडियो में बता देंगे आप लोगों को। ये जो है ना वोल्टेज को बढ़ाएगा, जो यानी जो है ना आपका अगर कम वोल्टेज हो उसको ज़्यादा करना है तो ये वाला ज़्यादा करेगा। ये टूटने वाले भी नहीं है देख सकते हैं, और ये देर देर पा ये चलता नहीं चलेगा हमारा नसीब। यह बड़ा ख़ूबसूरत नॉर्मल लाइट देता है रात को दोस्तों, ये बहुत ख़ूबसूरत लाइट दे रहा था तो ये बिल्कुल सही है, ओके है दोस्त। ये मुझे मिला है दोस्त 40 40 एक दाने के हिसाब से, अगर ज़्यादा लेंगे तो। अभी आपके पास ये आ गया 12 वाट की बैटरी चार्जर, इससे जो है ना आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ प्लस माइनस है दोस्त, ये प्लस है माइनस है, इसको आप बैटरी में लगा लेंगे। और यहाँ से जो है ना इसमें एक माइक्रो USB का है और एक नोकिया का है, और एक अलग से भी जो है ना यहाँ पर आप USB केबल इसके साथ कनेक्ट करके। ये मैंने 100 रुपये का लिया है, अभी ये सही है ख़राब है। इसको जो है ना अपना मोबाइल देख लेता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं इसका लाइट भी ऑन हो गया है। चार्जर लगा लेता हूँ इसमें मोबाइल में तो आप देख सकते हैं ये जो है ना चार्ज शुरू कर लिया है इसने, ये बंद हो गया दोस्त बिल्कुल। तो इसको हम लोग जल्दी से ज़रा खोल के देखते हैं कि भाई किसी भाई का जो है ना इस तरह का, इसको ज़रा पिचकस के साथ मैं इसको खोल के फिर दिखाता हूँ इस तरह का होता है क्या मसला है। इसके साथ पंखा जो है ना हिला हुआ है इसीलिए इस तरह कर रहे हैं। फिर यहाँ से ज़रा झटका मटका देंगे इसको देसी तरीके से, अगर ये लग जावे ये बहुत दफ़ा ऐसा होता है। अभी देख सकते हैं अभी ये भी आप इसको मोबाइल में लगा के देखते हैं, इसको देख सकते हैं अभी ये बिल्कुल ओके हो गया, चार्ज कर रहा है बिल्कुल। तो मैं इसका अभी ये IC की जगह पर ज़रा मैं अभी इसको फिर से लगा लेता हूँ, ये अभी बिल्कुल ऑन हो रहा है। इस तरह वाला लेना है ये बिल्कुल, मेरे ख़्याल में कंपनी को ज़रा इसके ऊपर ज़रा काम करना चाहिए था बिल्कुल। इनको दो इनका सारा बिल्कुल साफ नज़ारा है, कभी भी टच हो सकते हैं। आपने लेना है अगर अपना यूज़ के लिए ज़रा अच्छा क्वालिटी वाला ले ले भी, ये भी चल जाता है। ये बटने वाले और छोटे सेटों के लिए तो सही है, चल जाता है। जो हैवी सेट होते हैं जो है ना सैमसंग एप्पल जो हैवी सेट होते हैं उनमें जो है ना ये मसला कर लेता है। ये बटन वगैरह है छोटा सेट है टच वाला का, छोटा सेट भी उसकी भी काम कर लेता है। ये पैक हो गया तो एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई दुकान वाला इस तरह अपना जो है ना चीज़ सामान वगैरह में ख़राब चीज़ें निकल गया है तो वो अपना अगर शॉप का वीडियो बनाना चाह रहे भेजना चाह रहे सही दामों पर तो जो है ना हम लोग हाजिर हैं। कमेंट कर सकता है कमेंट में अपना नंबर, या कमेंट करें तो फिर हम लोग उसका भी वीडियो बनाएंगे शॉप का, तो वो अपने लिए चीज़ें वीज़ें वगैरह अपना सामान जो है ना वो कर सकता है बेच सकता है दोस्त, तो अपना माल निकाल सकता है बेच सकता है। किसी और भाई का भी फ़ायदा हो सकता है, उसका भी फ़ायदा हो सकता है, वैसे ख़राब गोदामों में पड़े रहने से तो किसी और का भी भला हो सकता है, रिस्क बन सकता है, उसका भी कुछ पैसे आता सकता है। तो देख सकते हैं अभी वही IC की जगह पर मेरे टांका लूज़ हुआ था, मैंने लगा लिया, अभी बिल्कुल सही चार्ज कर रहे हैं, अच्छे से इंशाल्लाह चल जाएगा।